सराभम नशे में मदमस्त इस चेहरे को देखिए, इस आवाज को सुनिए। सराभम पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर अम्मा घौद गांव के ग्रामीणों ने एक लोडेड देशी कट्टा के साथ तीन अपराधियों को पकड़ा है। ये तीनों अपराधी शराब के नशे में धुत होकर हथियार के साथ घूम रहे थे, तभी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। हाँ दारू की पीले ढोंग टोली दारू पीले लो साठी ढोंग टोली में इंगे का आज जाला पुगा बे ढोंग सार हो नू ठीक बार अब सब सार हो नी जाला पुगा बे मेरा घर है गाड़ी खराब हो लो इधर पीले लो जाके सूप के लो हम को जाके गाड़ी बनवा बे एकदम तो गाड़ी ना बन लो तानी पहले बोले तो बुला के ले जाए क्यों करे के। बताया जा रहा है कि अपराधी गांव के एक व्यक्ति के घर के बाहर बंदूक फेंक रहे थे, इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। हमारा लड़की देख के तब बहुत टेलर के नीचे काते तब दौड़ल गई तो हाथ में से देखो नहीं तो 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 जाता हम कहनी हो कथी धैले बड़ी तो हमें फसाओ खातिर तो इंतजाम कैले बड़ी तो कहा था हम नहीं की धैले पिए ले बता हम धैले बा। उधर पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में सामने आया है कि तीनों साठी थाना क्षेत्र के कोहरा लक्षनौता के रहने वाले हैं। वे अपने एक रिश्तेदार को पहुंचाने जा रहे थे। वहीं शराब के नशे में धुत अपराधी को पकड़कर ग्रामीणों ने शिकारपुर पुलिस को सूचना दी, जहां शिकारपुर थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर तीनों शराब में धुत अपराधियों को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं जब इस संबंध में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार से पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी के बीच अपराधियों को शराब कहां से मिल रही है। विनोद कुमार, न्यूज लाइफ, बेतिया।